गुड मॉर्निंग क्लास 10, नया रास्ता निकाल लीजिए आप अपनी और अध्याय 16 सारांश और इसका जो चैप्टर है जो आपकी मेन बुक है वो आप स्वयं पढ़ेंगे, आप इसको सेल्फ स्टडी करेंगे ध्यानपूर्वक। हम इसके प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं अभी। इसका जो गद्यांश है वो इस प्रकार है, ज्यों ही मीनू ने रस्म शुरू की आस पड़ोस की सभी महिलाओं की कटाक्ष पूर्ण निगाहों ने मीनू को बेचैन कर दिया। सभी आपस में धीरे धीरे कटाक्ष करने लगी। उस समय मीनू का दिल हुआ कि उस पूजा के थाल को वहीं छोड़कर अंदर बिस्तर पर जाकर खूब रोए, परंतु उसने संयम से काम लिया। रस्म पूरी हो जाने पर ही वे वहां से हटी। जैसे ही वे अंदर कमरे में गई, एकांत में उसका हृदय रो पड़ा, उसके नेत्रों से आंसू टपक पड़े। इतने में ही आशा ने कमरे में प्रवेश किया। आशा को देखकर उसने झटपट अपने आंसू पोंछे और अपने को संयत करके आशा से बातें करनी शुरू कर दी। पहला प्रश्न है, आस पड़ोस की सभी महिलाएं मीनू को कटाक्ष पूर्ण निगाहों से क्यों देख रही थीं? उत्तर है, आशा की शादी की रस्म में शादीशुदा बड़ी बहन आरती उतारती है, परंतु मीनू शादीशुदा नहीं थी। जो आशा की शादी हो रही थी उसमें जो है, जो अगर शादीशुदा बड़ी बहन है वही आरती उतारती है, लेकिन मीनू की अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए आस पड़ोस की सभी महिलाएं मीनू को कटाक्षपूर्ण निगाहों से देख रही थी कि मीनू यह रस्म क्यों निभा रही है। दूसरा प्रश्न है, मीनू पर कटाक्षपूर्ण निगाहों का क्या प्रभाव पड़ा? मीनू महिलाओं की कटाक्षपूर्ण निगाहों के कारण बेचैन हो गई। उस समय मीनू का मन हुआ कि उस पूजा के थाल को वहीं छोड़कर अंदर जाकर खूब रोए। नंबर 3, विवाह में आई दूसरी महिलाएं मीनू के बारे में क्या बातें कर रही थी? उनकी बातें सुनकर मीनू की मनोदशा क्या थी? विवाह में आई दूसरी महिलाएं मीनू की शादी ना होने के कारण, मीनू की वकालत की पढ़ाई तथा वकालत करने के कारण शादी ना करने के कारणों के विषय में बातें कर रही थी। मीनू ये सब बातें सुनकर बहुत ऊब चुकी थी। अपने दिल की पीड़ा को वह चेहरे तक नहीं आने दे रही थी। नंबर 4, मीनू ने आशा की शादी में किस प्रकार सहयोग दिया था? 4 दिन तक मीनू माँ के साथ घर के सभी काम करती रही। विवाह के बाद घर अव्यवस्थित हो गया था, उसे व्यवस्थित करने का कार्य मीनू ने किया। आशा की शादी हो गई थी तो मीनू ही माता पिता के लिए बहुत बड़ा सहारा थी। 5वां प्रश्न है, इसको आप स्वयं करेंगे, क्लास 10 या आपने स्वयं करना है। प्रश्न आप ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे भी। विवाह के पुराने रीति रिवाजों को आज के संदर्भ में मानना कहाँ तक उचित है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न आपके लिए है, रीति रिवाज जो रस्में हम विवाह में निभाते हैं, इस विषय में आप क्या सोचते हैं और यहाँ इन रस्मों को कहाँ तक मानना उचित है, इसके बारे में आप लिखेंगे अपने विचार। 3रा प्रश्न है, सुबह विदाई के समय आशा मीनू से लिपटकर खूब रोई थी। दयाराम जी वे उनकी पत्नी के नेत्रों से तो आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। यह कैसी विचित्र घड़ी होती है, माता पिता जिस बेटी का लालन पालन इतने वर्षों तक लाड प्यार से करते हैं, उसी बेटी को सदा के लिए दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं। हर पल रहने वाली बिटिया के लिए वह घर पराया हो जाता है। घर ही क्या, बिटिया भी तो पराया धन ही हो जाती है। पहला प्रश्न है, बेटी की शादी के लिए माँ बाप पहले तो परेशान होते हैं कि किस तरह से बेटी के हाथ पीले कर दें, फिर
वही माँ बाप बेटी की विदाई के समय रोते क्यों हैं? समझाकर लिखिए। पहले माँ बाप को बेटी के भविष्य की चिंता होती है, वह चाहते हैं कि समय से उनकी बेटी की शादी हो जाए। विदाई के समय लाड प्यार से पली बड़ी बेटी पराई हो जाती है, उनका बेटी पर पहले जैसा अधिकार नहीं रहता है, इसलिए माँ बाप रोते हैं। नंबर दो है, माँ को फूट फूट कर रोते देखकर मीनू ने क्या निश्चय किया और क्यों? माँ को फूट फूट कर रोते देखकर मीनू ने निश्चय किया कि वह विवाह नहीं करेगी और हमेशा ही माँ के पास रहेगी। आशा की विदाई के समय माँ तथा पिता जी को इस तरह फूट फूट कर रोते देख मीनू को अच्छा नहीं महसूस हुआ। उसे लगा कि बेटी के विवाह के बाद माता पिता अकेले रह जाते हैं, उन्हें इस तरह छोड़कर विदा होना ठीक नहीं होता है। दूसरे के बाद तीसरा जो प्रश्न है, मीनू का निश्चय सुनकर माँ ने उसे क्या समझाया? मीनू का निश्चय सुनकर माँ ने उसे समझाया कि बेटियां पराया धन होती हैं, वह अपने घर में ही शोभा देती हैं। मीनू आशा की विदाई के पश्चात माँ को फूट फूट कर रोते देख निश्चय करती है कि वह हमेशा माँ के पास रहेगी, विवाह नहीं करेगी। तब जो है माँ उसको समझाती है कि बेटियां जो है पराया धन होती हैं। और पहला ये पांचवा जो प्रश्न है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद चौथा प्रश्न चौथा जो प्रश्न है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद मीनू को अब कौन सी चिंता सताने लगी? उसने माँ से क्या आग्रह किया? जाते वक्त मीनू किस दुविधा में फंसी हुई थी? सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद मीनू को अब पढ़ाई की चिंता सताने लगी। उसने माँ से मेरठ जाने की अनुमति ली। माँ को बिल्कुल अकेला छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु एक और माँ का स्नेह था तो दूसरी ओर उसे अपनी पढ़ाई की चिंता, यही दुविधा उसको उसकी चिंता का विषय था। पांचवा प्रश्न, अपने प्रियजनों से पिछड़ने पर कैसा अनुभव होता है? इस विषय में अपने भाव व्यक्त कीजिए, ये भी आपने स्वयं करना है। पांचवा प्रश्न और ये तीसरे का है, और पहला प्रश्न इसमें उदाहरण है वो किया हुआ है, और ये पांचवा जो दूसरे का जो पांचवा है ये आप स्वयं करेंगे। अगर आपकी बुक में ये प्रश्न नहीं है तो आप इसके लिए कॉपी आपने शुरू कर दी होगी और आप इसको कॉपी में करेंगे, और ये आपको अवश्य करने हैं। मात्र दो प्रश्न के जो पार्ट्स हैं यही आपको करना है।